दिल्ली के हिंसाग्रस्त इलाकों में हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन अभी भी हिंसाग्रस्त इलाकों में बैंक और अस्पताल और स्कूल बंद है। कुछ जगहों पर एटीएम खुलने शुरू हो गए। इस वक्त हम दिल्ली के यमुना विहार इलाके में मौजूद है, जहां पर एक एटीएम आज खुला हुआ है। पीएनबी का ये एटीएम है। आप देखिए कि एटीएम खुलते ही यहाँ पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। लाइन लगी हुई है, लोग पैसा निकालने के लिए लगे हुए हैं। 4-5 दिनों से लोग पैसा नहीं निकाल पा रहे थे, बैंकों के काम नहीं करा पाए थे, लेकिन अब थोड़ी सी राहत की बात यह है कि अब एटीएम खुल गई है। जिन लोगों को कैश की ज़रूरत है, जिन लोगों को नकदी की ज़रूरत है, वो एटीएम में आकर पैसा ले सकते हैं। बहुत कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। सर, कितने दिनों में एटीएम से पैसे निकाल पाए हैं? सर, मैं तो आज निकला हूँ घर से बाहर एटीएम के लिए। गोकुलपुरी गंगा विहार में किसी भी एटीएम में कोई पैसा नहीं है, सब बंद पड़े हैं। पैसे की ज़रूरत रही होगी 4-5 दिन? हाँ जी, बिल्कुल पैसे की ज़रूरत पड़ी है जी। पैसे के बगैर तो कुछ काम चलता ही नहीं है। पैसे के लिए आदमी बाहर निकल रहा है, खास सामग्री के लिए बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो अब आपने पैसा छोटे मोटे काम के लिए निकाला, सामान के लिए? सिर्फ छोटे मोटे काम के लिए निकाला है जी। क्या क्या खरीदना है, राशन वगैरह? क्या राशन खरीदना है जी? राशन भी दुकानों पे पूरा नहीं मिल रहा, क्योंकि अभी कहीं से पीछे सप्लाई नहीं आ रही जी। इस वजह दुकानों पे राशन भी अभी कमी है, तो दुकान वाले अभी ये हालात है कि पैसे की किल्लत हो रही है, कैश की किल्लत है लोगों के पास, साथ में जो घर में ज़रूरत का सामान है वो भी लोगों को पूरी तरीके से मुहैया नहीं हो पा रहा है। सर, आप कहाँ कहाँ घूमे एटीएम के लिए? मौजपुर और गोंडा चौक और यमुना विहार के कई एटीएम चेक करते हुए जब यहाँ पर आए। आपको किस लिए पैसे निकालने की जरूरत पड़ रही है? बच्चों के लिए, ये खर्चे के लिए बिल्कुल थे ही नहीं। पेटीएम भी कोई नहीं ले रहा था, ना पेटीएम की कोई दुकानें थी, उसकी भी कोशिश करी। पूरे इलाके में सिर्फ अभी यही एक एटीएम हमको खुला हुआ दिख रहा है। मैं तो इसी एटीएम पे आया हूँ डायरेक्ट, मेरे को बाकी कई कई जगह घूमे। हम गोंडा चौक गए, मौजपुर गए, सीलमपुर गए, और ये सब जाने के बाद ये खुला भी मिला एक पीछे पंजाब नेशनल, उसमें कैश नहीं है। तो बिल्कुल हालात ये है कि अभी लोगों को कैश हासिल करने के लिए इस तरीके से इलाके में घूमना पड़ रहा है, लेकिन ज़्यादातर जगह पर एटीएम बंद है या जो एटीएम खुले हुए हैं उनमें पैसा नहीं है। लोगों को इस वक्त कैश की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि घर में छोटा मोटा सामान खरीदना है, ज़रूरत का सामान खरीदना है, तो ऐसे में इस एटीएम के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई है और लोग एटीएम से पैसा निकालने के लिए यहाँ पर एक तरीके की होड़ मची हुई है। कैमरामैन शूरवीर के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।